फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर से उन्होंने कहा कि इंक्रीज फ्रॉम द टू वीक्स टू द टू मंथ्स ऑफ द इंपोर्ट कवर रिफ्लेक्टिंग इंप्रूव्ड लिक्विडिटी। इस पर आप क्या कहते हैं सर, ये मतलब दो महीने के कवर से क्या होगा सर, ये इज इट द अचीवमेंट सर? मेरे माइंड में भी यही सवाल था कि ये इन्होंने बात ये है कि आपके रिजर्व्स जो हैं वो सारे के सारे बोरोड रिजर्व्स हैं, बोरोड रिजर्व हैं। सो आई थिंक कि वो दुनिया को भी पता है, वो दुनिया को भी पता है कि जिस दिन सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना ने अपने वहां पे डिपॉजिट रिन्यू ना किए तो ये रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। बट दुनिया को उन रिजर्व से एक शॉर्ट टर्म नजर आता है कि चलें एक साल के लिए तो ये हैं यहाँ पे, तो वो एक थोड़ी सी मिल जाती है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक इतना डायनेमिक मुल्क बन सकता है जिसकी आबादी जिस तरह से बात हुई थी कि दुनिया की एक किस्म की सबसे यंगस्ट आबादी है, और इसमें इतनी ज़्यादा हम कर सकते हैं तरक्की और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरक्की कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगर यहाँ पे बना लें तो ये हमारे बच्चों को जर्मनी और मिडिल ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है, सारे यहीं बैठ के अपना सारा काम करें, तो इसको बना सकते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट पे आना चाह रहा हूं सर। ऑटोमेटिकली हुआ करेंगे कि आपकी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया की मार्केट्स में जा रही होंगी और इम्पोर्ट में आप एनर्जी थोड़ी बहुत कर लेंगे, वो भी हम आप डोमेस्टिक कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी को सोलराइज कर दें, डैम्स और सोलराइज और थर कोल और न्यूक्लियर पावर में, तो आपको एक्सटर्नल फॉरेन एक्सचेंज की फिर जरूरत ही नहीं रहती। सो आई थिंक इकोनॉमी को ये अगर ठीक कर लें हम, ये सारे रिफॉर्म्स कर लें, तो बिल्कुल वी कैन बी अ सुपर इकोनॉमिक पावर, क्योंकि पांचवी सबसे बड़ी आबादी बहुत बड़ी चीज है ये। बहुत आप देखें कि दुनिया के पांच बड़े अगर मुल्क देखें, सब के सब बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। एग्जैक्टली बाकी सारों को तो बातें जो है वो फायदा दे रही है। ये सवाल है ना